दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज लेकर आया हूं कि यहां पर श्रम निरीक्षक यानी सहायक श्रम पदाधिकारी लेबर इंस्पेक्टर की परीक्षा तिथि अब घोषित कर दी गई है। पूरी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूं। इसकी आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या होगी, इसकी अंतिम तिथि क्या होगी, इसकी परीक्षा तिथि कब होगी, इसकी योग्यता क्या है, सिलेबस क्या होगा, पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरे लास्ट तक जरूर देखना है। इसकी नए तरीके से कैसे आपको तैयारी करना है, साथ ही यहाँ पर 2023 में परीक्षा का पैटर्न चेंज कर दिया गया है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि 2015 से 18 तक है ना आपका सिलेबस सेम था, लेकिन अभी 2018 में इसका पैटर्न चेंज कर दिया गया। इसमें श्रम विभाग से 15 नंबर ऐड कर दिया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना है, श्रम विभाग में आपका 15 नंबर ऐड कर दिया गया है। और जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्लस भारत का सामान्य ज्ञान जो प्रश्न पूछा जाता है 80 नंबर तक दोनों कंबाइंड होता है, उसको अब चेंज कर दिया गया। अब 65 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। जो सहायक श्रम पदाधिकारी यानी कि लेबर इंस्पेक्टर यानी कि 34 पदों पर जो भर्ती वैकेंसी निकल कर आई है उसके बारे में, तो जी हाँ, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है आपका 12 मई से प्रारंभ कर दिया गया है। जी हाँ, जल्दी से जाइएगा और फॉर्म भर लीजिएगा, और तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि के बारे में, आपको मैं बता दिया हूँ। उसी प्रकार आपका अंतिम तिथि के बारे में बताता हूँ कि देखिए जो इसकी अंतिम तिथि 29 मई है ना, ठीक है, आपने बिल्कुल सही सुना है, जो लेबर इंस्पेक्टर का जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है आपका 29 मई है, ठीक है। और त्रुटि सुधार के बारे में बात करें, जो आपका त्रुटि सुधार है आपका 30 मई से 1 जून के बीच में किया गया है। उसी प्रकार आपका परीक्षा होगा, परीक्षा की जो तिथि है 18 जून, यानी कि आपके पास कम समय बचा हुआ है 1 महीने, यानी कि आपको पढ़ना नहीं है, यहाँ पर आपको बिल्कुल रिवाइज करना है जो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है 1 महीने में। अब चलिए बात करते हैं समय के बारे में। तो जो परीक्षा होगा आपका समय 10 बजे से प्रारंभ होगी 1 बजे तक, ठीक है। उसी प्रकार परीक्षा के केंद्र आपका 5 संभागीय जिलों में होगा, परीक्षा जो केंद्र होगा आपका 5 संभावित जिलों में होगा। उसी प्रकार अब देखिए जो अवधि है इसका सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। तो जाइए सर जल्दी से आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा, फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसकी जो योग्यता है आपका 21 साल से ऊपर, ठीक है, जो लोग 21 साल से ऊपर हैं, ग्रेजुएट लेवल है, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। 21 साल से अगर कम है वो फॉर्म नहीं भर सकते जो ग्रेजुएट लेवल नहीं है, ठीक है। और ये 21 साल से 35 साल तक, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो जो सिलेबस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 3 घंटा, ठीक है, जो आपका एग्जाम होगा 3 घंटे का होगा। समय है आपका, हम आपको बता दिया था, 150 प्रश्न पूछा जाएगा 150 नंबर का, ठीक है। अब देखिए जो परीक्षा है आपका, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूंगा जो सिलेबस है आपका, ठीक है, जो सिलेबस है, चलिए देखते हैं जो सिलेबस आपका पूछा जाएगा। यहाँ पर 150 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, 150 प्रश्नों के साथ रहने वाला है, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान प्लस छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान कंबाइंड है। आपका 65 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जबकि आपका 2015 में 80 नंबर का प्रश्न पूछा गया था सामान्य अध्ययन प्लस छत्तीसगढ़ का। उसी प्रकार आपका 2023 में भी पूछा जाएगा 65 नंबर का। 2018 में आपको देखा था कि देखिए 2015 में और 18 में सेम सिलेबस था, सेम पैटर्न था। उसी प्रकार अब 2023 में सिलेबस को चेंज कर दिया गया, नए पैटर्न पर श्रम विभाग का 15 नंबर जोड़ दिया गया, जिसमें 65 नंबर छत्तीसगढ़ का और सामान्य ज्ञान का रहने वाला है, ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन रहेगा। उसी प्रकार आपका यहाँ पर रहेगा परीक्षण यानी कि योग्यता परीक्षण से 50 नंबर, जिसमें आपको 10 नंबर हिंदी से पूछा जाएगा, 10 नंबर अंग्रेजी से पूछा जाएगा, और 10 नंबर छत्तीसगढ़ी भाषा यानी कि छत्तीसगढ़ लैंग्वेज से प्रश्न पूछा जाएगा। जो छत्तीसगढ़ी भाषा है वो भी आपका लैंग्वेज ऐड किया गया है। उसी प्रकार आपका गणित और रीजनिंग से 20 नंबर, टोटल आपका मिलाकर हो गया 50 नंबर, ठीक है, ये जो योग्यता परीक्षण है। उसी प्रकार आपका कंप्यूटर का 20 नंबर प्रश्न पूछा जाएगा। सिलेबस के तौर पर आपको बिल्कुल मैं आपको बताया था पूरा सिलेबस है कंप्यूटर का, आप चाहे आप व्यापम पीएससी जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें सिलेबस रहता है। देखिए जो व्यापम में जो सिलेबस कंप्यूटर का रहता है वो तो सेम ही है। उसी प्रकार व्यापम में सामान्य अध्ययन छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन ये तो आपको पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। उसी प्रकार आपका एक हो जाएगा परीक्षण में श्रम विभाग, उसमें 15 नंबर ऐड किया गया है ना, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं पूरा पीडीएफ। अगर इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के नीचे दिए गए, ठीक है, अगर व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, और डिस्क्रिप्शन की लिंक दिया गया वहाँ पर पीडीएफ का आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वहाँ से आपका लिंक में टच नहीं कर पा रहे होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक देखिए कैसे तैयारी करना है।
तो तैयारी की बात रही तो आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, 1 महीने का समय बचा हुआ है समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 18 जून को परीक्षा हो जाएगी, परीक्षा आपका ले ली जाएगा। 12 मई से आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है, आप लोग जल्दी से जाइएगा फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। अब बात करते हैं रणनीति के बारे में, तो देखिए जो सहायक, हाँ बिल्कुल कमेंट नहीं कीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए सामान्य अध्ययन के बारे में बात करें, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन प्लस भारत के सामान्य अध्ययन, इसमें आपको मैं रिकॉर्डेड क्लास अपलोड करूंगा, ठीक है। जो कि लाइव क्लास के बारे में बात करें तो लाइव क्लास में बहुत से समय लिया जाता है, उसमें आपको पढ़ाई नहीं हो पाएगी, उसमें बहुत ही लंबा खींचा जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको 1 महीने के लिए बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास अपलोड करूंगा। समय के बारे में बात करें तो 7:30 से 9:30 के बीच में रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइएगा वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बिल्कुल फ्री क्लास है, कोई भी आपका पैसा नहीं लिया जा रहा है, यहीं से आपको लिए मैं बता रहा हूँ कि समय आपको बता दिया था। बिल्कुल डेली आप लोग क्लास करते जाइएगा, वॉच कीजिएगा, बिल्कुल आपको नए पैटर्न के हिसाब से, बिल्कुल नए सिलेबस के हिसाब से तैयारी कराऊंगा। जो रिकॉर्डेड क्लास रहेगी बिल्कुल सिलेक्टेड रहेगा, विगत वर्षों से प्रश्न लेकर आएंगे। अगर आपको तैयारी करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।